हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ जो एज CSP बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड है, या आप ये कह सकते हैं कि जो जुपिटर एज क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में। ये देखिए, इस तरह से कार्ड कुछ दिखता है, आधा ट्रांसपेरेंट है और आधा आपको पूरा कार्ड देखने को मिलता है। तो ये कार्ड कई लोगों को अभी फिलहाल नहीं मिला है, तो कैसे मिलेगा आपको बता दूं कि इस वीडियो में थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। मैं पहले से ही जुपिटर ऐप को यूज़ करता था, इस वजह से मुझे पहले ही एक्सेस मिल चुका था। इस वजह से आपको अनबॉक्सिंग और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करना है वो डिटेल्स में वीडियो आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे मिल सकता है और आप जो इस कार्ड को लेते हैं तो क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। और जो बेनिफिट्स हैं, अगर आप कार्ड पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वीडियो पहली बार देख रहे हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस कार्ड की मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इस कार्ड का और जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको ये जो कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। क्रेडिट लिमिट अप टू 3 लाख तक आपको मिल जाएगी और 2% कैशबैक ऑन स्पेंड्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो ये कार्ड है वो मैंने प्रैक्टिकल यूज़ किया है और इसमें आप यूज़ करते हैं तो कुछ जेवल्स आपको मिलते हैं और जेवल्स कन्वर्ट इंटू कैश होते हैं और वो आपके अकाउंट में फिर आ जाते हैं। तो ये चीज़ है और परसेंटेज उसका आप निकाल लेना कि कितना आपको 2% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जितना ये कह रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो वहां पे शायद 1% के आसपास रेशियो जो है वो मुझे देखने को मिला है फिलहाल अभी तक। ज़्यादातर मैंने इसको ऑनलाइन ही यूज़ किया है या UPI से पेमेंट की है, तो वहाँ पर जैसा कि मैंने कहा जेवल्स मिलते हैं और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कह रहा हूँ कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और आपके वॉलेट में अमाउंट आ जाता है। अब देखिए, जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात करें, साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो रिवार्ड्स वगैरह हैं, 2% एसोर्ड कैशबैक शॉपिंग ट्रैवल और डाइनिंग पे मिलने देखने को मिल जाएगा और एसोर्ड 0.4% कैशबैक ऑन अदर UPI एंड क्रेडिट कार्ड स्पेंड पे ये देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ऑनलाइन ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है तो 0.4% कैशबैक अदर UPI जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो देखने को आपको मिल जाएगा। फिर से एक बार बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम वाउचर जो है वो 250 का आपको मिल जाएगा। आपको बता दूँ कि जब मैंने ये कार्ड अप्लाई किया था तो वहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट का जो 250 का वाउचर है वो देखने को मिला था और वो शायद अभी भी पड़ा हुआ है, अभी उसको यूज़ करना है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और एक्स्ट्रा 1% कैशबैक वंस मंथली स्पेंड ऑफ 30,000 प्लस, एक्स्ट्रा 1% कैशबैक आपको मिलेगा 30,000 से प्लस की आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं मंथली, तो यानी कि 30,000 एक महीने में 30,000 कर ली, उसके बाद और आप यूज़ कर रहे हैं और आपकी लिमिट वहाँ पे 1 लाख रुपए है, तो अगले जो 60,000 होंगे शायद वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि 1% एक्स्ट्रा कैशबैक देखने को आपको मिलेगा। फ्यूल की बात करते हैं, 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने को मिल जाएगा। अदर जो बेनिफिट है उसकी हम बात कर लेते हैं, नो ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस, आप मतलब ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस इसकी नहीं है, नहीं देनी पड़ेगी आपको। UPI क्रेडिट कार्ड है, हसल फ्री ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम इसमें कर लेते हैं कार्ड की, तो देखिए सैलरीड जो कस्टमर्स हैं, या अगर आप सैलरी हैं, सैलरीड हैं यानी कि आप सैलरी स्लिप वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं सैलरी को लेकर के। तो देखिए, एज ग्रुप 22+ होना चाहिए, इनकम रेंज जो है 35,000 से 40,000 प्लस, नेट इनकम पर मंथ इतना होना चाहिए 35 से 40,000 के बीच में। आइडेंटिटी प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड ये दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड और आधार कार्ड वहां पे भी आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ देखिए, सैलरी सर्टिफिकेट, रिसेंट सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर आप दे सकते हैं, ये सैलरीड पर्सन के लिए है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बात करते हैं, 22+ आपको यहाँ पे होना है यानी कि अगर आप होंगे तो। और कस्टमर मस्ट हैव रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मंथली, जो इनकम रेंज की बात कही जा रही है। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड चल जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, राशन कार्ड और टेलीफोन का बिल चल सकता है एड्रेस प्रूफ में। और इनकम प्रूफ के लिए यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल, रिसेंट ITR, इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना होगा, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको देना होगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई करते हैं तो। तो ये बेनिफिट हैं और एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दी और बेनिफिट क्या है वो भी बता दिया। कैसे अप्लाई कर सकते हैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एलिजिबल होते हैं तो ये कार्ड जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो आपको मिल सकता है। बाकी अगर आपके पास है तो क्रेडिट लिमिट आपकी कितनी है इस कार्ड की, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SaareTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सारे टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।